नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज मेरे साथ मिस्टर सुमित हैं, जो कि मेरे पुराने मेंटी भी हैं और ये अपने आपके जयपुर से हैं। सर के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, मैं इसलिए मैं अपने जो ये कार में ही इनका इंटरव्यू ले रहा हूं। सर और हम कुछ एक नया कुछ हम कुछ R&D आप बोल सकते हैं, इसलिए दिल्ली आ रखे थे। तो सर से मैंने कुछ समय निकाल के कुछ 5 मिनट में इनसे कुछ 5 क्वेश्चंस करना चाहूँगा, जो कि हमारे सब जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। बाकी मैं सॉरी बोलूँगा जिस तरीके का यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, और गाड़ी के अंदर आप देखोगे कि अभी जस्ट AC बंद किया है तो गर्मी भी लगनी पड़ी है। तो सर सबसे पहले थैंक यू सर। आपको भी थैंक यू सर। मैं आप थोड़ा सा सर अपने बिजनेस के बारे में बता दें, थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन बता देंगे। हमारे होटल्स हैं और इसके अलावा हमारे फाइनेंस का काम है, और इसके अलावा हमें क्लाउड किचन रन कर रहे हैं ऑलरेडी, और अभी कुछ इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं जिसको मैं सर के साथ डिस्कस करने आया हूं QSR सेक्टर में। बेसिकली सर आपके कितने होटल्स हैं अगर आप बताना चाहें? तुम्हारे 3 होटल्स हैं राजस्थान में। ओके, और बाकी तो सर फाइनेंस का। और ये सर होटल्स के नाम अगर आप चाहें तो थोड़ा प्लीज। सर अटलांटिक होटल है, एक नटराज होटल है, एक जेन रूम्स है। तो तीनों सर आपके कहाँ पे हैं सर? सर ये राजस्थान में अलवर में है जी। सर इसके अलावा कुछ और बिजनेसेस? सर फाइनेंस का काम है, कुछ कॉन्ट्रैक्टिंग का वर्क है, और इसके अलावा क्लाउड किचन का काम। ओके सर। सर दूसरा मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे कि जैसे जो करंट सिनेरियो, जैसे ये पैंडेमिक अभी चल रहा है जी, ठीक है ना, और हम लोग छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके अपने क्लाउड किचन या रेस्टोरेंट्स वगैरह हम लोग स्टार्ट करें। आप ऑलरेडी इस बिजनेस में, अगर मैं सही हूँ, लगभग 20-30 सालों से आप हैं। इवन आई थिंक आपके फादर्स वगैरह भी यही होटल्स के बिजनेस कर रहे थे। तो जो इस समय अगर हम लोग स्टार्टअप करते हैं, मैं बोलता हूँ कि भाई किसी ने क्लाउड किचन में किसी को देख के स्टार्ट कर दिया कि भाई वो 3 लाख रुपये कमा रहा है, 4 लाख रुपये कमा रहा है, या ज़्यादातर अभी जैसे हम लोग वीडियोस देखते हैं यहाँ पे कि भाई उसने 1 महीने के अंदर इतने करोड़ रुपए कमा लिए, तो आपको क्या सच्चाई लगती है? आप जनरली आप आंसर दीजिएगा। नहीं, मेरे को बहुत डाउट लगता है, खासकर वो जब Tier 2 सिटी का बोलते हैं कि मेरे साल महीने में 10 लाख प्रॉफिट्स हो गए। हमको 10 लाख सेल्स ही बड़ी बात लगती है, जो इस बिजनेस में 50% नहीं, 20 से ज़्यादा 25% से ज़्यादा मार्जिन नहीं है। 10 लाख प्रॉफिट करना बहुत बड़ी बात है, और खासकर वो भी नए आदमी के लिए, वो भी 2 महीने या 4-6 महीने में। इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो से बच के रहना चाहिए, टॉक्सिक हो जाते हैं कई बार, तो थोड़ा सा संभल के काम करें। इतना इजी नहीं है ये बिजनेस में वो करना। और रही बात सिनेरियो की, तो फाइन डाइन से बेटर QSR है, और आज पैंडेमिक से पहले से ही फाइन डाइन का सिनेरियो थोड़ा ख़राब था, अब और ख़राब हो गया। QSR ही मुझे लगता है फ्यूचर है आने वाले 5-7 साल के। अभी सर जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मैं एक क्लाउड किचन में खोल रहा हूँ, ठीक है सर, अभी और मैं बोलता हूँ कि भाई मैं 1 महीने में 4 लाख या 5 लाख रुपए भी सेल्स करता हूँ, जैसे कि आपके खुद के क्लाउड किचन है, तो कितना मार्जिन हम लोग कमा रहे होंगे? अगर मैं बोलता हूँ कि पर डे में अगर मैं 10,000 रुपये भी सेल कर रहा हूँ तो लगभग 3 लाख रुपये मैं बोलता हूँ मेरी जो सेल्स हो रही है स्विगी जोमेटो के थ्रू, तो आपको क्या लगता है कितना प्रॉफिट मार्जिन आता होगा? पहली बात तो Tier 2 में 4-5-10 हज़ार तो नहीं, लेकिन 15,000 सेल्स अचीव करना Tier 2 सिटी में लगभग इम्पॉसिबल है। Tier 3 में और भी मुश्किल है। Tier 1 में मैं मान सकता हूँ होता होगा, लेकिन स्टार्टिंग में 6 महीने तो मुश्किल है। हार्डली मार्जिन 25% से ज़्यादा नहीं रहने वाला इस लाइन। ओके, तो अगर आपकी 15,000 सेल्स आ रही है तो आप, क्योंकि कमीशन बहुत ज़्यादा जाता है, डिस्काउंट्स को बहुत प्रॉम्प्ट करती है हर कंपनी, तो आपका मार्जिन मैक्सिमम 25% तक रह पाएगा, क्योंकि 35% फूड कॉस्ट आ जाएगी, बाकी प्रमोशन, डिस्काउंटिंग, फिर एडवर्टाइजमेंट्स, पब्लिसिटी, स्टाफ पेमेंट्स, 25% टेक होम मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बट वो भी 15,000 की मतलब सेल पे 10,000 पे और प्रॉब्लम्स ऐसे रहेंगे आपको। बट एज अ यंग एंटरप्रेन्योर अभी जैसे तो फूड का भी और ये सेक्टर तो आगे बढ़ना ही, तो आपको लगता है कि हमें आना चाहिए या किस तरीके का मॉडल होना चाहिए सर? मतलब इसमें पैशनेट आदमी के लिए कोई स्पेस नहीं है। जो पैशनेट होगा कि मेरे को पैशन है, मेरे को, मैं फूडी हूँ, वो नहीं। इसमें रगेड और मतलब हार्डकोर एंटरप्रेन्योर चाहिए, जो समझता है दिमाग से, सैनिटी से चले, हाँ, रादर देन बाय ड्रिवन बाय इमोशंस, या कि भाई हमको बहुत ज़्यादा समझ है या ये सब कुछ नहीं। ओके सर इमोशंस की, और ये बहुत हार्ड लाइन है, प्रॉफिट्स आर वेरी हार्ड टू कंबाइन। सर जेन्युइन आंसर। सर एक क्वेश्चन और होगा, हो सकता है कि काफ़ी लोगों को वो चीज़ें चुभ भी जाए, अगर सच बता, आप जैसे सर इतने सालों से आप बिजनेस, कभी आप किसी को आके अपनी यूट्यूब पे क्या वीडियोस पे आप कभी अपनी आप सेल डिस्क्लोज करते हैं? आप जनरली बताइए, ताकि नहीं, जब तक आपको IPO लाना नहीं हो ना,
जब तक तो कोई नहीं करेगा। नहीं अभी हम इतनी वीडियोस क्योंकि हम लोग देखते हैं, ठीक है, यू आर माय मेंटी, आप मेरे मेंटी हो, साल भर से ज्यादा आप मुझसे कनेक्टेड हो, बट आई नेवर आस्क योर यू नो योर सेल्स कितना, सेल्स तो चलो हम लोग बोल सकते भाई आपने कितना कमा लिया, एग्जैक्ट फिगर मुझे आप दे दीजिए, ठीक है, आपकी एसओपीज वगैरह हम लोगों ने सेट करी, पर क्या ये सही है अपनी यूट्यूब पे आके इस तरीके से बताना मैं इतनी ये चीजें कर रहा हूं? मतलब मैं डाउट करूंगा, कोई कर रहा है तो उसके पीछे कोई हिडन मोटिव्स हो सकते हैं, हो सकता है बहुत ईमानदार भी बंदा हो लेकिन चांसेस कम है। जब तक किसी को आईपीओ या शेयर में नहीं आना हो या फंडिंग नहीं उठानी हो, आई डाउट कि कोई आपको जेन्युइनली बताएगा। और ये भी हो सकता है कि अभी वो सेल्स है, अभी उसमें से प्रॉफिट कितने वो तो अलग, वो मैंने बता दिया 20-25% मिलना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन कोई अगर अचीव कर रहा है तो बहुत बड़ी बात है। मैं कोई मतलब पत्थर की लकीर नहीं खींच रहा, लेकिन बाय एंड लार्ज अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। और एक लास्ट बात बोलना चाहता हूँ, हम लोगों ने अभी सर के साथ 4-5 हम लोगों ने क्लाउड भी और टेक अवे भी और सारे कुछ ब्रांड्स भी अभी स्टडी किए हैं हम लोगों ने, जो बताते हैं जिस हिसाब से एसओपीज और टेस्ट और जो उनका हाइप है वो उसके मुकाबले 10-20% भी नहीं लगा विदाउट नेमिंग देम। आज हम गुड़गांव में हूँ मैं, लगभग हम लोगों ने 7-8 आउटलेट जो कि बड़े बड़े नाम वाले आउटलेट हैं, ठीक है, जो कि करोड़ों की फंडिंग उठा चुके हैं अभी, क्योंकि हमारे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग तैयार कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम लोग देख रहे थे, पर जो हम लोग सोच रहे थे एक्चुअल में वो नहीं होता है, तो हमको वो चीज़ें भी अगर हम किसी की फ्रेंचाइजीज वगैरह भी लेते तो वहाँ पर वो सोचना पड़ता है। सर आपके अगर आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स आप बताना चाहो। सर अभी QSR में जाने का इच्छा है, QSR को डेवलप करा जाए, एज ए चेन देखा जाए, एज ए प्रोफेशनल देखा जाए, और लेस कुक मॉडल या मिनिमम जो ह्यूमन इंटरवेंशन का या ऐसा शेप से हो जाए कि जो कि 15-20 डेज की ट्रेनिंग में हो जाए, तो और उसमें मतलब लोगों के साथ या मतलब फ्रेंचाइजीज के साथ मिनिमम वो हो, उनका शोषण हो या किसी प्रकार का, तो उस तरीके से डेवलप किया जाए। सही बात, ठीक है सर। हम लोग बेसिकली कॉपी मतलब जो इस जो सेक्टर का जो स्टैंडर्ड है वो मैकडोनल्ड्स है, और उसके जो SOPs हैं उसके जो एक्सेप्शनल वो है वो कॉपी करना या उस तरीके को फॉलो करना बहुत मुश्किल है। सर उनको उतना टाइम लग गया ना सर, उतने हाँ उनको तो लगभग 50-80 इयर्स हो गए हैं, 50-80 इयर्स हो गए, तो टू कॉपी देम इट्स यू नो सच अ डिफिकल्ट टास्क टू यू नो डू। सर एक जैसे दूसरा चैलेंजेस अगर स्टार्टअप्स के लिए होता है मैन पावर का होता है या टीम वर्क, हम लोग बोल दीजिए जी, आप 20 साल से होटल चला रहे हैं, आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं? सर ये बहुत मतलब आर्ट है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, और ये कुछ लक पे भी डिपेंड करता है। ओके, येट आपको प्रोसेसेस को स्ट्रांग रखना पड़ेगा। ओके, और उनकी रेगुलर ऑडिट करनी पड़ेगी, और ऑडिट रेगुलर है, प्रोसेस स्ट्रांग हो, ट्रेनिंग रेगुलर हो, तीनों चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद आपको अच्छी टीम की मिलने के चांसेस है। Okay. उससे पहले नहीं मिल सकता, मतलब अपने आप को भी पहले कुछ पहले खुद ही समझ लो कि क्या चीज़ है। जी बिल्कुल, कि हाँ ज्यादा के लालच में मत रहो, कम आइटम्स जो हैं वो वो किए जाए। सर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, एक सर जैसे अभी मेनली अभी जैसे आपको बताया आप मेरे भी मेंटी और मैं यूट्यूब पे वीडियोस भी बनाता हूँ, चैनल भी अच्छा खासा चल रहा है, सबका सपोर्ट है, सबका प्यार है। अब यहाँ पे जैसे मेरे को मैसेज आती है कि भाई मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही है, मेरी सेल्स में सेल्स को कैसे मैं बढ़ाऊँ, ठीक है, अभी मेनली मैं अगर मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं आपसे पूछूंगा कि मैं बोलता हूँ कि भाई कि आप अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना, लोग अभी सेल्स पे ध्यान दे रहे हैं, लोगों को फेसबुक के ऐड चलाना सिखा रहे हैं, हम लोग इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना सिखा रहे हैं, तो क्या एक्चुअली में वो चीज़ें वर्क करती हैं? अगर आप अगर हम एक खुद अगर इस चीज़ को कर रहे हैं, आप ऐसा कर रहे हो तो सर खुद कर लीजिए, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं तो या तो ठीक है, अदरवाइज आउटसोर्स करने में मेरे को बहुत ज़्यादा कुछ दिखा नहीं है अभी कि अपने किसी को प्रमोशनल उनको दे दिया और बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया, खुद ही घुसना पड़ेगा डिजिटल कैंपेन के अंदर क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है इसलिए, मतलब पहले खुद ही हम लोग समझें। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कुकिंग अगर समझनी है 50%, 25%, 40% आपको डिजिटल मार्केटिंग भी अगर ब्रांड डेवलप करना है तो समझनी पड़ेगी, और क्लाउड पे सेल्स बढ़ाने का ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। मतलब मेन अगर घूम के बोले तो हमारे प्रोडक्ट और जो हमारी SOPs होती हैं वो सबसे ज़्यादा मेन हमारी हो जाती हैं। ऑब्वियसली ठीक है सर, प्रोडक्ट SOPs यही मतलब जो भी है, आपके प्रोसेसेस स्ट्रांग होने चाहिए। सर अगर लास्ट है, ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, कुछ भी हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो भी अपना नया रेस्टोरेंट क्लाउड किचन वगैरह खोलना चाहते हैं, और मेरे लिए कुछ अगर आप कुछ बोलना चाहें, मैं भी शेफ सर के लिए धीरज जी के लिए है कि ये अब तक ऑनेस्टली गाइड करते आए, मैंने इनको मतलब कोई उस तरीके से किसी का मतलब एक्सप्लॉयटेशन करते हुए इनकी बात नहीं देखी है पिछले एक साल से, जो मेरा जजमेंट रहा है। और सर यही है कि ये बहुत टफ फील्ड है, इसमें पैशन की जगह समझ का काम लें जब भी कुछ हो पाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल फील्ड है ये। हाँ कि इसके अंदर अगर आप ग्रो करना है तो इसके अंदर आपको हेड स्ट्रांग होना पड़ेगा, आपको कॉस्ट के लिए इफेक्टिव होना पड़ेगा,
और आपको शार्प होना, प्रोसेसेस पे आपको फोकस करना पड़ेगा और किसी की बातों पे नहीं आना, 150 तरीके की रेसिपीज़ रखना या 150 तरीके के आइटम रखना, वो सबको प्रलोभन को अवॉइड करना पड़ेगा। लिमिटेड प्रोडक्ट्स, लिमिटेड फोकस और शार्प फोकस, उस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी पे आए, ये सब करना है और ये मुश्किल भी है, आसान नहीं। सर थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए, क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और अभी हम लोग खुद गाड़ी में ये इंटरव्यू कर रहे हैं। बाकी कभी फिर आपके इधर मौका मिलेगा, आपके इधर हम लोग राजस्थान में जयपुर में जरूर आएंगे सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। अगर आपको भी कुछ और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप नीचे पुट ऑन कर दीजिएगा, और अगर आप जयपुर में जा रहे हैं तो सर के होटल में जरूर रहिएगा, ठीक है जी। अटलांटिक होटल है सर का नाम, दूसरा होटल है सर का नटराज होटल है, तो प्लीज़ उसको भी विजिट कीजिएगा और आप डिस्काउंट के लिए भी मांग कर सकते हैं वहाँ पे। चलिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।